कोलकाता के डॉक्टर बिटिया वाले केस को लेकर आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के हाथ सौंप दिया है सबसे अहम वीडियो। उस रात उसने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था लगभग 3 घंटे का पूरा दरिंदगी का वीडियो। संजय रॉय ने रोते हुए सीबीआई के हाथों सौंपा पूरा का पूरा वीडियो। एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद में अब हो गया है एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश। वीडियो देख कर सीबीआई की आंखों से भी छलके आंसू। घटना का पहला पुख्ता सबूत है अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए कांड में वो अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब ये साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में ये भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़ कर जरासंध की तरह अलग कर दी, फिर संजय को बुलाया गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल में अब तक हमने इस कांड पर कई वीडियो बनाई है, मिलियनों व्यूज भी आए हैं। हर बार हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट्स में लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब एक साथ मिलकर उस बिटिया के लिए खड़े हों। लेकिन आप करते क्या हैं? बस वीडियो देखते हैं और आगे चल पड़ते हैं। देखिए, हम ये सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस बिटिया के लिए कर रहे हैं। हमें आपके कमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बिटिया के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ हो उससे पहले आप दिखा दीजिए कि हम सब एक हैं और अन्याय के खिलाफ हम मिलकर खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को ये पता था कि ये काम एक बंदे का नहीं है। ये संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरे तरीके से प्लान्ड है। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया बाहर किसी को। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में ला करके रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वो अकेला नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दावा किया गया है कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टर ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से ये दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी, उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया तो वो अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वो लड़की अपने स्टैंड पर
पर अड़िग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और CBI इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में ये भी बताया गया कि पहले कई PGT और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई ना जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों CBI के रेडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में ये भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में ये भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर ये सभी बातें सच हैं तो फिर CBI को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7ों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया, ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये ट्वीट CBI की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है CBI ने भी 7 लोगों को रेडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा CBI ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर भी पूछताछ पर ले रखे हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट CBI के कलकत्ता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल CBI इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण CBI फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। CBI का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि CBI बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स, जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाए जा सकते थे, मिटाए जा सकते थे, वो सब किया गया। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश करी, लेकिन जब से ये केस CBI के हाथ आया है तब से उनके भी पसीने छूट गए हैं। मगर CBI को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया। अब CBI जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, या फिर ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण से CBI इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे ये साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी रेड की जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वो अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में CCTV फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच में हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। CBI ये भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीखो पुकार की आवाज बाहर क्यों नहीं आई। इसी कारण शक बढ़ता जा रहा है कि इसमें कई बड़े लोगों के हाथ शामिल हैं जो इस केस को दबा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर से लिखें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और उस बिटिया को इंसाफ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।